Kaboosh. I'm exposed. हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केबी मूवीज अपडेट में। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोड नेम तिरंगा मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। और गाइज, आज इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन। तो अगर बात करें इस मूवी की बाकी डिटेल्स की, तो गाइज इस मूवी में नजर आई है परिणीति चोपड़ा, हार्दिक सांधू और शरद केलकर। गाइज, ये मूवी बनी है रिभु दास गुप्ता के डायरेक्शन में। तो वही इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। गाइज, इस मूवी का बजट है 30 करोड़ रुपए, यानी कि इसको हिट होने के लिए कम से कम 32 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। और वहीं इस मूवी ने रिलीज से पहले लगभग 21 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 1600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। और अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज इस मूवी को काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले और उनका असर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल देखने को मिला है। तो गाइज, इस मूवी ने अपने पहले दिन कमाई की है लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, तो दूसरे दिन कमाए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अगर बात करें आज यानी कि इसके तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो गाइस आज है संडे यानी कि हॉलिडे, और हॉलिडे होने की वजह से इस मूवी कलेक्शन में एक थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। और ये मूवी आज लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रही है। तो गाइस, इस मूवी का 3 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 3 करोड़ 70 लाख रुपए। तो वही इंडियन ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 4 करोड़ 50 लाख रुपए। और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 3 दिनों में कमा रही है लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए। तो गाइस, जिस तरह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, वो देखकर लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। तो गाइज, ये थी कोड नेम तिरंगा मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।